द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। इस कहानी में खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं कि उनके बचपन से युवावस्था के दौरान उनकी दादी माँ कैसी रही। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है, मेरी दादी माँ बाकी अन्य लोगों की दादी माँ के जैसी थी। वह बूढ़ी थी और उनकी आंखें थोड़ी धुंधला गई थी, उनके चेहरे पे झुर्रियां थी और मैं उन्हें लगभग 20 सालों से जान रहा हूँ। लोगों का यह मानना है कि जब वह छोटी थी तो वह बहुत ज़्यादा प्यारी थी और उनके पति भी थे, लेकिन मेरे लिए ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अगर मैं अपने दादाजी की फ़ोटो को देखता हूँ जो कि टंगी हुई होती है तो वह थोड़े लंबे थे, उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी जो कि उनके छाती तक जा रही थी और उन्हें देख करके लगता था कि वह लगभग 100 साल के थे और उन्हें देख कर यह बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता है कि उनकी पत्नी या बच्चे होंगे। उन्हें देख करके तो इतना लगता कि उनके बहुत सारे पोता और पोती होंगे। अगर मैं अपनी दादी माँ के बारे में बात करूँ तो वह बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, जिस पे विश्वास करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। वह हमें अपने बचपन की कहानियाँ बताती कि वह कौन कौन सी गेम खेलती थी और बहुत ही बेढंगा और विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल लगता था और वो बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाती उपदेशकों की, उपदेशक साधु संत जो ईश्वर के बारे में हमें सीख सिखाते हैं। अगर मैं अपनी दादी माँ के बारे में बात करूँ तो उनका हाइट थोड़ा सा छोटा है, मोटी और हल्की सी झुकी हुई है। उनके चेहरों पे झुर्रियाँ चारों तरफ मुझे देखने को मिलती है। नहीं, हमें ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं लगा कि वह इतनी बूढ़ी रही होंगी। मुझे तो मेरी दादी माँ ऐसे लगती है कि पिछले 20 सालों से उनकी उम्र में किसी भी तरह का बदलाव आया हो। वह कभी सुंदर रही भी नहीं होंगी, लेकिन वह सुंदर भी थी मेरे नज़रिए से। वह घर में बहुत ही आराम से हमें देखने को मिलती थी, जिनमें से वह एक हाथ अपने कमर पर रखती ताकि वह अपने आप को बैलेंस बना सके, वही दूसरे हाथ में उनके हाथ में माला होती। उनके जो सफ़ेद चांदी जैसी चोटियाँ इधर उधर बिखरी हुई रहती, उनके चेहरे थोड़े उदास रहते और उनके होठ हमेशा प्रार्थना में हिलते रहते। हाँ, वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर रही हैं। वह ठंड के मौसम के जैसे रहती, हमेशा शांत दिमाग का और बस ईश्वर के नाम जपती रहती। मैं और मेरी दादी माँ हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी माँ के पास मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था और मैं उनके साथ ही रहता। वह सुबह मुझे उठाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। उनकी सुबह की प्रार्थना, उनके नहाने, कपड़े धोने, मेरे नहाने और कपड़े धोने तक वह गाती रहती, इस उम्मीद में कि किसी दिन मुझे वह भजन बाय हार्ट याद हो जाएगा। लेकिन मैं उनके भजन को इसलिए सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी लगती थी और मैंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे उसे याद करना चाहिए। तब वह मुझे एक लकड़ी की स्लेट में, जिसे उन्होंने खुद साफ कर दिया है,
उसके साथ एक पीला कलर का चौक लेके आती और बहुत सारे इंक पॉट में लाल कलम मुझे मुट्ठी भर के दे देती। सुबह के खाना खाने के बाद हम लोग रोटी लेके जाते और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते और उसमें मक्खन और चीनी उसके चारों फैला देते। रोटी में क्या किया जाता, थोड़ा सा मक्खन और चीनी मिला दिया जाता था और उसके बाद हम लोग स्कूल चले जाते थे। वह मेरे साथ और भी सारी रोटियां लेके जाते थी गांव के कुत्तों के लिए। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना बहुत ही पसंद था। पुजारी हमें अल्फाबेट सिखाते और सुबह की प्रेयर सिखाते। वह दूसरी ओर सारे के सारे बच्चे एक साथ बरामदे में बैठ करके गाते और अल्फाबेट सीखते और वही दूसरी ओर मेरी दादी माँ रामायण या महाभारत पढ़ती। जब हम सारे के सारे लोगों का काम, मतलब मेरी और मेरी दादी माँ का काम ख़त्म हो जाता तो हम लोग वापस घर आते। और इस बार हमें रास्ते में बहुत सारे कुत्ते मिलते। वह हमारा पीछा हमारे घर तक करते और खुद पे भौंकते और लड़ाई करते जब हम उनके तरफ रोटियां फेंक रहे होते हैं क्योंकि उन्हें रोटियां खानी थी। जब मेरे माता पिता सिटी में अच्छे तरीके से स्टेबल हो गए तो वो उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया और यह हमारी दोस्ती का, मेरा और मेरी दादी माँ के दोस्ती का एक दूसरा कदम था। हालांकि हम लोग सेम रूम में रहते थे लेकिन मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। अब मैं एक इंग्लिश स्कूल जाता था मोटर बस में बैठ करके और रास्ते में ना कुत्ते होते और ना उनके पास कुछ होता अपना समय बिताने के लिए। तो वह क्या करती, घर के बरामदे में वह चिड़ियों को खिलाना शुरू कर देती। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हम लोगों के बीच में बातचीत कम हो गई। कुछ समय तक तो वह मुझे सुबह उठाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती और जब मैं स्कूल से आता तो वह मुझसे पूछती कि मैंने आज क्या पढ़ा और मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बहुत सारे बताता जैसे साइंस में क्या सीखा, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और हमारी चारों ओर की दुनिया के बारे में, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा उदासी हो जाती। वह ज़्यादा उदास हो जाती क्योंकि उन्हें मेरे द्वारा सीखी गई कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती थी क्योंकि मैं अभी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा था। उन्हें इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था कि इंग्लिश स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता था। साथ ही साथ वह थोड़ा उदास भी हो गई थी जब उन्हें पता चला कि हमें स्कूल में भगवान और भगवान से संबंधित किताबों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं होता। एक दिन मेरे स्कूल में म्यूजिक क्लास होने वाला था और इस बात से वह थोड़ा उदास हो गई थी क्योंकि उन्हें म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उन्हें तो यह लगता था कि यह म्यूजिक जो है वह भिखारियों के लिए है, इससे अच्छा हम लोग ईश्वर से संबंधित किसी गाने को सुने। तो उन्होंने ऐसा मुझे कुछ कहा तो नहीं लेकिन वह शांत हो गई और अब मुझसे बहुत ही कम बात करती थी। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे मेरा रूम मिल गया, मेरे कुछ नॉर्मल दोस्त भी बने और मेरी दादी माँ ने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था। वह अपने स्पिनिंग व्हील से ही बात करती और स्पिनिंग व्हील में हमेशा बैठी रहती और शायद ही किसी से बात करती। सुबह होती शाम हो जाती। वह दोपहर के समय बस एक ही समय था जब उन्हें मन लगता था, उनका मन लगता था वह स्पैरोस को, चिड़ियों को खाना खिलाती। वह बरामदा में बैठ जाती और रोटी के छोटे 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 टुकड़े कर देती और चारों ओर फैला देती जिसके कारण बर्ड्स पक्षी आते और उन्हें खाते। कुछ तो उनके पैरों पर बैठ जाते, कुछ उनके कंधों पर और कुछ तो उनके सिर पर, लेकिन इस बात से उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। वह स्माइल करती और ऐसे ही चल जाता और यही उनके
दिन का एक सबसे खुशहाल समय था जब वह खुश रहती थी, वरना सुबह से रात कब हो जाती उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। अब मैं बाहर देश चला गया अपनी पढ़ाई के लिए। अब मुझे पता था कि इस बात को लेकर के दादी माँ थोड़ी उदास हो जाएगी, क्योंकि मैं लगभग 5 सालों तक उनसे दूर रहूँगा और उनकी उम्र में ऐसा कैसा लगता उन्हें या कोई भी नहीं बता सकता था। लेकिन मेरी दादी माँ ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं थी, उनके मन में किसी भी तरह की इमोशंस नहीं था। हालांकि वह रेलवे स्टेशन आई थी मुझे छोड़ने के लिए, लेकिन उनके मन में किसी भी तरह का इमोशंस नहीं दिख रहा था। वह तो बस अपनी प्रार्थना में कर रही थी और उनका दिमाग प्रार्थना में ही खोया हुआ था। उनकी उंगलियां घूम रही थी उस तुलसी के माला को पिरोते हुए, लेकिन उन्होंने मेरे सिर पे किस किया जब मैं वहां से चला गया। और शायद मुझे लगा कि यह मेरी दादी माँ के साथ आखिरी मुलाकात है, उसके बाद मैं उनसे मिल पाऊंगा या नहीं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं 5 सालों के बाद वापस आया तो मेरी दादी माँ मुझे स्टेशन में लेने के लिए आई थी और वह बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वह मुझसे कुछ खास बात नहीं कर रही थी। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तब भी मैं उनके प्रार्थना को सुन पा रहा था जो ईश्वर से वह कर रही थी। और जब मैं वापस आया 5 सालों के बाद, उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरा आना नहीं था बल्कि उन स्पैरोस, उन चिड़ियों को खाना खिलाना था जो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत समय तक उन चिड़ियों ने उनका साथ दिया और वह उनके साथ बेवजह बैठती थी। शाम के समय उनमें कुछ बदलाव आया। बदलाव क्या था? अभी वह प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। उन्होंने पड़ोस की जितनी भी महिलाएं हैं सबको बुलाया और एक ओल्ड ड्रम को मंगवाया और गाना गाने लगी। बहुत घंटों तक वह गाना गाती रही और मेरी आने की खुशी मनाती रही। हमें उनके पास यह जा करके बताना पड़ा कि उन्हें यह बंद करना होगा और यह पहली बार था कि वह प्रार्थना नहीं कर रही थी। अगले दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ और सोच रही थी। उन्होंने कहा कि अब उनका मृत्यु सामने है। उन्होंने ऐसा तब कहा जब उनके लास्ट चैप्टर के कुछ ही पल बचे हुए थे, फिर वह प्रार्थना करने वाली थी क्योंकि वह अपना समय बातें करने में बिताना नहीं चाहती थी। हम लोगों ने बोला कि माँ, दादी माँ हमसे बात करो, लेकिन वह हम सबकी बातों को नकार रही थी। वह बेड पे आराम से लेटी हुई है और मंत्रों का उच्चारण कर रही है, और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते उनके होंठ हिलना बंद कर चुके थे और उनकी तुलसी की माला भी हिलना बंद कर चुकी थी। एक शांति भरा पल उनके चेहरे पे आ चुका था और हम लोगों को पता चल गया कि उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने उन्हें उनके बेड से नीचे उतारा जैसा कि रिवाज था और उन्हें जमीन पर लटा दिया और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। कुछ घंटों के बाद जब विलाप का समय खत्म हो गया, हम लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम के समय हम उनके रूम में गए थे उनके अंतिम संस्कार के लिए, उन्हें ले जाने के लिए। अब सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और उनके रूम और वरांडा में सूरज की रोशनी आ रही होती है। हम लोग बीच में ही रुके। जब हम लोगों ने क्या देखा कि उनके शरीर के चारों ओर हजारों चिड़ियाँ थे जो कि वहाँ पे आ चुके थे। वे लोग इस बात चिचिया नहीं रहे थे। हमें थोड़ा
बुरा भी लगा हमारी दादी माँ और उन पक्षियों के बारे में, क्योंकि हमारी दादी माँ उन्हें हमेशा रोटी खिलाती रहती थी। मेरी माँ ने उनके बारे में सोचा और मेरी माँ ने छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करे और उनके तरफ फेंक दिया, लेकिन पक्षी उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। जब हम लोगों ने हमारी दादी माँ की लाश उठाई, सारे के सारे पक्षी उड़ के चले गए और अगले दिन झाड़ू मारने वाले ने उस सारे के सारे रोटी के टुकड़े को डस्टबिन में डाल दिए। यह कहानी थी खुशवंत सिंह की दादी माँ के बारे में। हमारी लाइफ में हमारी दादी माँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहती है। वह जब तक हमारे साथ रहती है हमें उनकी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके चले जाने के बाद हमें पता चलता है कि हमने क्या खोया। तो बताइए, आपका रिश्ता आपकी दादी माँ के साथ कैसा रहा है?